ओके देखो लास्ट क्लास रे हमें दीटा फैक्टर पढ़थिले आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन रो ला दीटा फैक्टर फर्स्ट फैक्टर कोन थिला तमरो ना लो आयनाइजेशन एनर्जी हबो सेकंड रे कोन पढ़थिले हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ए सन ला तो आज हम पढ़िया को जाउ छे कोन ना थर्ड फैक्टर गोटे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ताना हैला लैटिस एनर्जी आउ टिके मु जदि कहिबी एग्जैक्टली एथि जेंते हाई लो लेखिचे एथि भी हेतिबो हाई लैटिस एनर्जी कोन कहिली लैटिस एनर्जी ठीक अछि देखो फर्स्ट इटा को जानिबा को हेले हाई लो तो पर कथा ला फर्स्ट जानिया को पड़े हमको कोन लैटिस एनर्जी कोन लैटिस एनर्जी जानिया को हेले लैटिस कोन जानि थवा दरकार ला तो देखो सपोज तो गोटे लूनो मुंडा निच ला लूनो मुंडा टारे कोन गोटिए मॉलिक्यूल थिबो केबे भी नथिबो सेथेरे बहुत सारा मॉलिक्यूल थिबे ला कौन कहली बहुत सारा मॉलिक्यूल थिबे से जो बहुत सारा मॉलिक्यूल थिबे से माने केमिति थिबे सेटा हला हमरो वर्तमान रो क्वेश्चन ठीक अछि देखो कहूच देखो एटा को बुझवा को हेले ठीक है बुझवा को हेले सुन सपोज तमे गोटे ईटा गदा देखिबो घर काम टाइम रे देखियो ईटा गदा हेते ला ईटा गोडा को केमिति सजा हेतांती मा कोन से गोटे वॉल रे देखियो जदि केमिति सजा हेते एमती इटा रहले ला ताको बागे के रखिया पई एमती दी प्रकार रो स्टाइल ले ताको रखाय थे ता परटा पुनी एमती हे थे हनो ना देखि दियो ओके तो वर्तमान क्वेश्चन हला एमती इटा को करे ई होल इटा गदा ताको कहंती तमरो मोटे लैटिस ला तमरे कोनोसी गोटे फुल सॉलिड जे कोनोसी सॉलिड न हो पूरा सॉलिड एड की बड़ा लोहानी एति की छोटा लोहानी जो खंडटा नै थिबो से पूरा सॉलिडटा होछ तमरो लैटिस ला बुझि होछ तो लैटिस कोन जाने है तो NaCl टा भी देखो जे तळे हम NaCl कहले इटा ना कोन तमरो कॉमन सॉल्ट हना नै कॉमन सॉल्ट कमेट सब दिन हम यूज करछ खाइबे लुण हिसाब यार आउ कौन ना अच्छी ना टेबल सॉल्ट कौन कहली टेबल सॉल्ट हो तो क्वेश्चन हला ए जो NaCl टा अच्छी बतन ये गोटे सॉलिड ठीके ठीक रे मन पकेलो पाठटा जेतवळे हम पढ़ीथिले मु कहिथिली Na टा जेतवळे Na प्लस हबो एटा को स्टेट रे थिबा दरकार आयनाइजेशन एनर्जी यूज कला बळे गैसियस स्टेट रे ता माने तमरो एटा को स्टेट रे यू बाहर दिछि Na प्लस का गैसियस स्टेट हना नाही इलेक्ट्रॉन माइनस है कि सेमती Cl ता थाए को स्टेट रे गैसियस स्टेट रे से जे तळे Cl माइनस हि थिबो सेटा भी थिबो गैसियस स्टेट रे एठे प्लस इलेक्ट्रॉन हिछि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी टा रिलीज हिछि ए त कथा ला अच्छा वर्तमान देखो एठी तमन अछि Na प्लस गैस Cl माइनस गैस तमे जे तबळे बॉन्ड करिथिबो सपोज Na प्लस गैस को आनि के मिसै छ Cl माइनस गैस सहित से तम कोन देइथिबो कोन देइथिबो ओबवियसली आमे चिंता करय कथा जेटा NaCl गैस दे किंतु तमे जे तळे खाउ चलुणटा सेटा गैस रे अछि ना सॉलिड रे अछि सॉलिड रे ये सर न तो ई सॉलिड हेला के बते त टिके चिंता कर वाटर अछि ये कोन है के अछि लिक्विड हब लिक्विड टा को तमे आइस करे को चाहो छ सेम वाटर कोन करे को चाहो छ आइस त एठो एनर्जी कम करिवो ना बेसी कर ठंडा करूच ताहले एनर्जी टा बाहर करनुच ता माने एनर्जी टा कम करूच ता माने एनर्जी कोन होची ना रिलीज हबा
हला तो देख सेमती पुणी कौन हुए जी जिते अधिक एनर्जी रिलीज कर मानते जिते अधिक एनर्जी कम कर आईसटा से स्ट्रंग से टाइम से डेरी पर्यंत से मेल्ट हम ना ये कथ तो केस रे भी से हुए जे एन ए प्लस सी एल माइनस काटायन अच्छा गैसीय स्टेट रे तुम या से माने मिसिके देवे कौन सॉलिड क्रिस्टल ये जो सॉलिड क्रिस्टल हवापी गैस रु सॉलिड जीवापाई तांको कौन करिया को पड़िबो ना सॉलिड जीवा को हेले देखो गैसीय स्टेट रे आयन गुडा को एणे तेणे बुलुथियो हना ना बुलुथियो गैसीय स्टेट रे किंतु जे तळे सॉलिड हेबे एन ए प्लस जोठी तार गोटे पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रे सी एल माइनस पुणी आ गोटे एन ए प्लस तार डिस्टेंस रे रहिबो पुणी सी एल माइनस एमती बारंबार रिपीटेशन हो या तले भी थे सी एल माइनस एन ए प्लस एमती चार सिक्वेन्सी सजे मान पूरा जमी एन ए सैड रे सी एल माइनस रोथ सी एल सैड रे एन ए प्लस रोथ ये आकार सजे ला तो ये जो सजे हेले ठीक अच्छे सजे हवा द्वारा तुमको कौन दौरान से मैंने फिक्स पोजिशन ये जगह से मूव कर पार्बन जिते क्रिस्टल सॉलिड हो सी आउ मूव कर पार ना तो ये कौन हो तुम ना एन ए सी एल टा कौन हो तो यू जो एनर्जी टा बाहरी जाए कौटू एन ए प्लस सी एल माइनस गैसीय स्टेट रे मिसिले जो एनर्जी टा बाहर सो दैट इट बिकम्स सॉलिड सेटा को कहते लैटिस एनर्जी आता सिंबल टा को कौन कहते यू है आ गोटे जिनस साइन कन्वेंशन टिके सीखे दिए कौन साइन कन्वेंशन मन रखी था एनर्जी रिक्वायर्ड टा कौन कहली एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टा को आम सब नौ पॉजिटिव साइंस साइन कौन पाई एनर्जी टा अब्जर्व हो हला एनर्जी रिलीज्ड टा को आमे सब बेले नो नेगेटिव साइन कौन नो नेगेटिव साइन हबो बुझ पर नो नाही तो देखिलो एठी आयनाइजेशन एनर्जी टा कौन हुए दरकार हुए रिक्वायर्ड सो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टा रिलीज हुए तो एटा हेथियो कौन नेगेटिव सेमिति लैटिस एनर्जी टा रिलीज हेले ही गैसियस टा तमरो सॉलिड हो सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बुझिए लैटिस एनर्जी लैटिस कहले कौन जानलो लैटिस एनर्जी टा कहले कौन जानलो एटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड सेटा भी जानियो एबे ता डेफिनेशन लिखि दो हबो देखो कारण डेफिनेशन लिखुछ लैटिस एनर्जी ठीक अछि तापरे हाई की लो दरकार हम आम से विषय चिंता कर ठीक अच्छे देख तो मुझे लैटिस एनर्जी डेफिनेशन टे ठीक शुणु इट इज द अमाउंट ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कौन कहली एनर्जी रिलीज्ड टू टू फॉर्म वन मोल ऑफ गोटे नुह वन मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से कौन कहला ना एन ए टा गोटे कन्स्टिट्यूएंट आयन कहार ना एन ए सी एल सी एल माइनस टा भी गोटे कन्स्टिट्यूएंट आयन कहार ना एन ए सी एल दिज मिसीबे टू गिव एन ए सी एल सॉलिड गोटे मॉलिक्यूल नुह यार वन मोल नब यार वन मोल नब एठी वन मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल पाइब सही टाइम रे जो एनर्जी टा रिलीज हे थी टोटल उपरे सेटा को कहते लैटिस एनर्जी अच्छा तमे मोल कांसेप्ट पढ़ी छ तो लैटिस एनर्जी जदी गोटे मोल पे एति के हला
गोटे मलिकुल तुम काढ़ी पार जी थी से 6.023 इंटु 10 टू दी पावर 23 डिवाइड करद हम ये जिनस जानी अच्छा जदि एत जिन जाणीगल बर्तमान चल जा देखा आयोनिक सलीड केस रे लाटिस एनर्जीटा बेस रिलीज हेले भल ना कम रिलीज हेले भल है मन रखी था आम आगु पढ़ी जे एनर्जी जिते डिक्रीज कर स्टेबिलिटी कौन हम बढ़ यू ये मिसिकी जिते अधिक लाटिस एनर्जी रिलीज हम ये क्रिस्टलटा से स्टेबल हम तो मलिकुल सब चाहिए कौन बेस स्टेबल हम तो से कौन कर बेसी एनर्जी रिलीज कर जो कन्स्टिट्यूएंट आयन मिसला बेले बेसी एनर्जी रिलीज करेंगे लाटिस एनर्जी रिलीज करेंगे से हम बेस स्टेबल आईपाई लाटिस एनर्जी रिलीजा कौन हवा दरकार हाय ला तो एमती लिखिदब ग्रेटर द amount of greater the amount of lattice energy released more is the kon kahili stability ऑफ आयोनिक सॉलिड हम आयोनिक सॉलिड टा से अधिक कौन है स्टेबल है बुझेला ना ये जिन जानी है ना ना हम अच्छा जदि ये जिन से कौन हुए आउ टिके कहते मन रख यहाँ कहीं अधिक रिलीज हेले ये बेस स्टेबल हुए आउ टे पूर्व तुमको आइस एग्जांपल ला अल्प थंडा कले 0 डिग्री पर्यटन आसे आइस हम कि जो -23 रखी थे पूरा टाण आइस माने से पूरा पूरा चापी है मलिकुल गुड़ाक रही जी थंडा जो है जिते अधिक थंडा हम से अधिक एनर्जी रिलीज हो आईसटा से स्ट्रंग एक्जाक्टली सेम जिन हुए है जिते अधिक लाटिस एनर्जी रिलीज हो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बा आयन आयन भितर पैकिंग पैकिंग कहले लगिकी रहा बैग पैक करवा तब जिते जोर चापी चापी जिन दब से अधिक जिन रहा तो सही कनसेप्ट जिते अधिक एनर्जी रिलीज हम मल आयन गुड़ाक से पखापाखी रे स्टेबिलिटी कौन हो बढ़ी बढ़ी तो लाटिस एनर्जी टा हाई हवा दरकार ना लो हवा दरकार ओब्वियसली जिते एनर्जी रिलीज समस्ते हाई हे जिते एनर्जी आबजर्व समस्ते लो हे एति हला कांसेप्ट हना नहीं बुझी पाल ना नहीं ला अच्छा जति एटा जानी गले हाई लाटिस एनर्जी बोली जानी गलो ठीक अछि ए लाटिस एनर्जी को नहीं कि आगो को गोटे ये भी अछि माने तमरो बॉर्न हावर साइकिल बोली गोटे अछि लाटिस एनर्जी कम डिटरमिनेशन हे सेटा नेक्स्ट क्लास रे भी हम पढ़िबा ठीक अच्छे तुम सिलेबस अच्छी तो बर्तमान आम तीन टा फैक्टर विषय पढ़ी सारे हन ना आखिरी दुईटा फैक्टर अच्छी तुम ठीक अच्छे देख आर तीन टा फैक्टर इम्पोर्टेंट परीक्षा जो पढ़े मैक्सिमम टाइम तीन टा फैक्टर ही आग पढ़ बही कितना देख जो दुटा वीक पॉइंट से आग लिखी तुम्हें कितना परीक्षा लिख एम इम्पोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक आग लिख ठीक अच्छे अच्छा मत कह फोर्थ फैक्टर टा तुम से लिखी था कौन कहला फोर्थ फैक्टर टा लिखी सब्लिमेशन एनर्जी कौन कहली सब्लिमेशन एनर्जी एटा हाई कि लो हम आम डिसाइड करिवा ठीक अच्छे तुम्हें तो फास्ट जानी था फाटी सब्लिमेशन एनर्जी सब्लिमेशन कहले कौन जान सब्लिमेशन एनर्जी जान सब्लिमेशन गोटे सॉलिड सब्सटेंस नब तुम जमी आड़ती कर टाइम कर्पूर नियम
सेटा गोटे सलिड मिल्क ताको तुम हिट दौच कौन दौच हिट हिट देले से कौन लिक्विड होची केवल लिक्विड हबनी से डायरेक्टली कोठी की जाउची गैसियस स्टेट कोठी की जाउची गैस को हला ने जो प्रोसेस रे सॉलिड डायरेक्टली गोज टू गैसियस स्टेट इज द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन कौन कहली से प्रोसेस ना सब्लिमेशन एंड द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड टू गैसियस डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी से कहला सॉलिड टा को डायरेक्ट गैस करे पई जो प्रोसेस हीटिंग प्रोसेस हुए ताको कह जाय सब्लिमेशन आ सॉलिड को गैस करबे पई जो एनर्जी जति के अमाउंट रो एनर्जी दरकार हुए सेटा को कह जाय सब्लिमेशन एनर्जी तो कतो सारे यार आयनिक बॉन्ड रे की संपर्क अरे अछि देखिलु आमे ए देख पिला माने त माने एठे देख Na+ अछि हला Na+ टा हमर कोठी की जाय छी NaCl ला कहा सहित मिसी कि सीएल माइनस सहित देखिलो एटा कोन अछि गैसियस स्टेट एटा कोन अछि गैसियस स्टेट किंतु सोडियम टा कोन स्टार्टिंग रु गैसियस स्टेट रे थिबो कि नाही तमे जानि छ सोडियम टा स्टार्टिंग रु को स्टेट रे थाए सॉलिड स्टेट रे सॉलिड रु से आगो देखो ए प्रोसेस टा केमती हुए ना एमिति ना आगो तम पाखरे कि ए थिबो सोडियम सॉलिड तमे ताकु हीट तेल से आगो जीवो सोडियम गैस सोडियम गैस रे तमे जे तळे आयनाइजेशन एनर्जी दबो से हीटिंग द्वारा से जीवो Na+ गैस एटा हे प्रोसीजर तो वर्तमान एटा सॉलिड रो कोठी जीवा दरकार गैस को तो एठी जति मोर एनर्जी अधिक दरकार होथुओ से केबे भी सहज रे जीवो की सोडियम गैस को जीवन जदि न जीव तमर ए आयन का फॉर्मेशन हे करबो तो ए स्टेप रु ही तम प्रोसीजर टा स्टार्ट हे जेथिबो जे एटा देखो सॉलिड रु गैस है छि त माने एटा कोन सब्लिमेशन हला सब्लिमेशन एनर्जी को जदि मु एस कहिलि कैपिटल एस ताले एटा हेथिबो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सब्लिमेशन एनर्जी टा कोन ताहले इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert one mole of solid directly लिखे दो directly to gaseous state अब गैसियस स्टेट को डायरेक्टली कन्वर्ट करिया प्रोसेस टा को कोन कहंती सब्लिमेशन तो एठु सॉलिड टा गैस जाइछि सब्लिमेशन एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड बोली प्लस हैन दिछ तो जेहेतु एनर्जी रिक्वायर्ड हेछि एटा जते कम एनर्जी रिक्वायर हबो से सेते जल्दी गैसियस हबो सेते जल्दी Na+ आयन हबो सेते जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करके NaCl तैयार करबो तो आमे एठु कोन जानले फॉर बेटर आयनिक बॉन्ड कोन कहिले बेटर और इजी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड हमरो हाई सब्लिमेशन एनर्जी दरकार ना लो दरकार ओबवियसली लो दरकार लो सब एनर्जी में लिख देले तुम परीक्षा रे एमते लिखिबो नै नले मार्क कटि जीवो मते अदोष दबो नै लो सब्लिमेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड ला जान पालो आयनिक बॉन्ड होवा पई लो ना हाई दरकार सब्लिमेशन एनर्जी लो तो तमे परीक्षा रे ए गुडा जने लो हाई लिखुथलो एठी भी लिखि परियो कोन लो सब्लिमेशन एनर्जी क्लियर ला अच्छा लास्ट फैक्टर को जीवा लास्ट फैक्टर टा तमरो अछि कोन एटा जदि सब्लिमेशन एनर्जी हेई जे आ गोटे फैक्टर भी थाय ला से कौन ना देखो फिफ्थ रे अछि तमरो डिसोसिएशन एनर्जी माने कौन हैला ना डिसोसिएशन एनर्जी कहिला माने
गोटे जिन जापर कौटि ना कौटि गोटे भांगू थी डिसोसिएशन कहले भांग भांग कौटि एनर्जी भांगे दरकार देख अच्छा एने कथा तो कहल से सॉलिड थाए गैस को जाए गैस रु आयनाइजेशन एनर्जी देखिए आयन करुच जात्रा करुच है सीएल माइनस टा केमिति तयारी हे तो कहीं कहल सीएल टा कौन आटमोसफियर सीएल गैस से थाए सीएल टू गैस ताने सीएल सीएल भितर गोटाए बंड था बंड टा भांगे जा तुमको दीटा सी एल गैसियस आटम मिले न्यूट्रल गैसियस आटम मिले से पी तुम गोटे इलेक्ट्रॉन आड कले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाहर सी एल माइनस यहाँ है प्रोसीजर है तो ये पहुँचापी तुमको फास्ट सी एल टू मॉलिक्यूलटा को भांगे पड़ो ये जगह भांगार अन्य ना कौन डिसोसिएशन तो मुझे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कौन कहली कमे बंड भांग एनर्जी दरकार हम इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और डिसोसिएट हब ब्रेक और डिसोसिएट वन मोल ऑफ बॉन्ड ला गोटे मोल बॉन्ड भांगीबा पाई जति के एनर्जी दरकार ताकु कोन कहंती डिसोसिएशन एनर्जी कैपिटल डी ला तो ए जो डिसोसिएशन एनर्जी टा एटा भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो एटा को साइन हे थिबो पॉजिटिव साइन ला जदि एटा पॉजिटिव साइन हे थिबो एटा भांगिले ही जत्ते कम एनर्जी देले से भांगी जाउथिबो सेते जल्दी से सीएल माइनस रे पहुंचबो एटा जेंति कहितले एटा एग्जैक्टली से जत्ते जल्दी एटा भांगिबो सेते जल्दी एटा तयारी हबो एथिरे इलेक्ट्रॉन टा सेते जल्दी ऐड हे परिबो सेथरे ऐड हेले सीएल माइनस तयारी हबो एपोटे एसजी एनए प्लस रिजन जक मिसि के एनएसएल ला सो एई जो फॉर बेटर आयनिक बॉन्ड कौन कहली फॉर बेटर आयनिक बॉन्ड फॉर बेटर आयनिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कौन हवा दरकार सिंबल ले लिख दिली डिसोसिएशन एनर्जी मस्ट बी कौन हेथवा दरकार लो तो तुम्हें परीक्षा यहाँ को भी लिखी पार कौन लो डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड है ये थी तुम फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड है शुभ आई कौट की ना एंट्रेंस लेवल बट जी सेठी जी जे आगे दुईटा खंडे क्लास पर पढ़े तो मैंने डिफिकल्ट भाव पार से एवं कह कि इम्पोर्टेंट जिन अच्छे ठीक अच्छे अच्छा ये जिन पढ़ी सारापर एबे फिनिशिंग टच आड़े तहार आयनिक बॉन्ड कौन फिनिशिंग टच से गुड़ाक कह ठीक अच्छे देख ओके फिनिशिंग टच है तुमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स है आयनिक सॉलिड रे कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रहे तो सेटा को जानिबा पूर्वर है आउ टे जिन पढ़ा आम जो फैक्टर भितर गोटे इम्पोर्टाट जिन पढ़ी कौन ना लाटिस एनर्जी कौन कहली लाटिस एनर्जी हम तो ये लाटिस एनर्जी विषय टिके डिस्कशन करवा जे ये लाटिस एनर्जीटा केमी कैलकुलेशन करा जाए ताले हमें डायरेक्टली कौन करवा ना कैलकुलेशन ऑफ कौन कहली कैलकुलेशन ऑफ लाटिस एनर्जी एंड बॉर्न हाबर साइकिल कौन कहली बॉर्न हाबर्स साइकिल
এই সাইকেল কু ইউজ করি কি সাইকেল কইলে গটে সাইক্লিক প্রসেস হলা বর্ন হাবার সাইকেল সাইকেল কু ইউজ করি কি আমি ল্যাটিস এনার্জি ক্যালকুলেশন করিলা হলা মন রাখিতা বর্ন হাবার সাইকেল হলা এটা কো গটে থার্মোডাইনামিক র প্রিন্সিপল উপর বেস হইছি ইট ইজ বেসড অন हेसेस लॉ कौन कहली हेसेस लॉ ला तुम को तो सारे हेसेस लॉ कौन इटा तुम लोग जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ो जो से तेरे थर्मोकेमिस्ट्री रे पढ़े कौन कहे हेसेस लॉ बहुत सिंपल लॉ ठीक है देखो से कहला तुम में धरो गोटे पॉइंट अछि ए बा गोटे स्टेट अछि ए ए रु बी स्टेट को जीवो केमति जाय परबो जने डायरेक्टली जीवो ला सपोज तार एनर्जी चेंज टा हला मोटे साइन देले डेल्टा एच एन्थाल्पी कहले एनर्जी एन्थाल्पी रो सिंबल होचि एच एनर्जी चेंज टा को डेल्टा एच लिखि छि ठीक अछि ला किंतु जड कहो मु इंडिविजुअल स्टेप रे जेबी त माने फर्स्ट सी को जेबी सी रु डी को जेबी डी रु बी को जेबी एठी हेथिबो डेल्टा एच1 एनर्जी चेंज एठी हेथिबो डेल्टा एच2 एठी हेथिबो डेल्टा एच3 ला से कहला ए तीनटा स्टेप देकी ए बाटे इनडायरेक्ट ए पटा कोन डायरेक्ट ला एटा कोन इनडायरेक्ट स्टेप्स रे से जाउच ठीक अछि जत इनडायरेक्ट स्टेप रे जाउच बोली कहिला सेति के बेल कोन हेइ ना सुन इनडायरेक्ट स्टेप हेसेस लॉ कहूची तमे डायरेक्ट स्टेप रे जा पढिबो थर्मोकेमिस्ट्री रे म केवल सहज वे रे तम कहि दै छी जस्ट ब्रीफली कहि छी जे हेसेस लॉ कहे डायरेक्ट स्टेप रे जा कि इनडायरेक्ट स्टेप रे जा गोटे स्टेप रे जा कि दीटा तीनटा 200टा 250टा 2000टा लक्षेटा 200000टा जते स्टेप रे जा हला जो पटे गले टोटल एनर्जी चेंज टा समान रहिबो ता माने डेल्टा एच टा डायरेक्ट स्टेप रे जति की एनर्जी हेथिबो एपटे जो इंडिविजुअल स्टेप अछि समस्त को जति मिसे दबो सेति की ही हबो दीटा देखो डायरेक्ट रे जाओ इनडायरेक्ट रे जाओ इनडायरेक्ट रे जते स्टेप अछि समस्त को एनर्जी चेंज मिसे दबो तो देखिबो से डायरेक्ट स्टेप सहित समान होछि एटा की कहथिले हेसेस लॉ ला सेटा को आमे एठी आयोनिक सॉलिड रे यूज करिकी एमति लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन करंती देखो एटा को हेसेस लॉटा को यूज किए करथिले ना हावर्स ला त हम कहि तांको नाम अनुसार ए साइकिल टा को कह जाय बर्न हावर साइकिल से कोन करथिले देखो सेई कंसीडर एनएसीएल फॉर्मेशन से एनएसीएल फॉर्मेशन ही देखथिले ला कंसीडर एनएसीएल फॉर्मेशन ओके एनएसएल फॉर्मेशन केमिति हो ना स्टार्टिंग रे कहि छी सोडियम टा में नबा सॉलिड क्लोरीन टा कोन नबा मॉलिक्यूल किंतु गैस एदिटा मिसी के तंको कोन देबे ना एनएसएल ला तो हमर गोटे एन अछि तो गोटे सीएल दरकार तो एठी कोन करथिबी हाफ हेले दीटा क्लोरीन रो अधा नेले केते हबो गोटे क्लोरीन एटा किंतु मोर क्वेश्चन स्टेट रे बाहर सॉलिड लूड ला तो एटा हमे एटा हला डायरेक्ट स्टेप तो एठी एनर्जी टा कोन हेथिबो डेल्टा एच हला मो एबे इंडिविजुअल स्टेप रे जाउ छी इनडायरेक्ट स्टेप रे जाउ छी केमिति जाउ छी ना देखो एथि रे मु कहि छी ए सॉलिड अछि माने ताको आगो गैसियस को नवा को पड़िबो तो एठी कोन करली सब्लिमेशन एनर्जी दे ला तो सब्लिमेशन एनर्जी टा रे एबे जस्ट पढ़ी जे तो ये हे जीवो एनए गैस टा पुनी कैटायन हबो केमिति ना आयनाइजेशन एनर्जी देले तो से कोन हे जीवो एनए प्लस होना नहीं ये भी कोन हे थिबो गैसियस एठी देखो सीएल2 अछ सीएल2 को भांगीबा पई डिसोसिएशन एनर्जी केते दरकार डी गोटे मोल को भांग एटा न थांता जदि गोटे मोल को भांगे पई डी दरकार हाफ मोल को भांगिया पई हाफ डी दरकार हबो अच्छा जदि हाफ डी लिखली ताले एठी मोर कोन बाहरिबो सीएल एटम बाहरिबो
गैसियस स्टेट रे बाहरी सेई थेरे ओटे इलेक्ट्रॉन ऐड करबे माने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज हबो सेटा हे जबो Cl- गैसियस तो एठी गैस गैस दिटा जक मिसिबे एठी कि जिवे एई दिटा जो मिसिबे एई प्रोसेस रो एठी कि जिवा पय जो एनर्जी रिलीज हुए ताकु ही कहंती आमे कोन लैटिस एनर्जी यू होना नहीं तो ए पर्यंत मु किंतु साइन कन्वेंशन देनी माने कोटा रिक्वायर्ड कोटा रिलीज एनर्जी ने लिखि नै हला तो देखो ए साइड रे टिके मेंशन कर दबा हला एनर्जी रिक्वायर्ड एटा सबले जत बर्न हेवर साइकिल लिखिबो एमति डायग्राम था करिके साइड रे दे लिखि दबो साइन कन्वेंशन कोन कहली साइन कन्वेंशन हला साइन कन्वेंशन रे कोन हला ना पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड हबो पॉजिटिव साइन माने कोन एनर्जी रिक्वायर्ड नेगेटिव साइन माने कोन हे जिवो ना एनर्जी रिलीज्ड हबो देखा जा देखिलो वर्तमान देखो आमी जानि छ सब्लिमेशन एनर्जी सॉलिडटा गैस दिबो एनर्जी देले हि जिवो तण कर एटा कोन हे थिबो पॉजिटिव साइन रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनटा काढी कि दबा एनर्जी रिक्वायर्ड सो एटा भी पॉजिटिव डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्डटा को भांगुचे तो एटा भी पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉनटा ऐड होची एनर्जी रिलीज सो इट इज माइनस लैटिस एनर्जी कहिचि बार बार 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन पई क्रिस्टल फॉर्मेशन पई जो एनर्जीटा रिलीज हुए तो रिलीज हेलेटा माइनस ठीक अछि एबे साइन कन्वेंशन बिषय ला अच्छा वर्तमान आमे कोन कहि परिया ए सब थिरो टर्म रो सिंबल गुडा को साइड रे देखियो नोट रे मु लिखि देथिबी होय यार मु कहि जाउ छी एटा देख सुनी सुनी के भी लिखि दे परियो होय यार एस इज इक्वल टू एस ता कोन सब्लिमेशन एनर्जी ता लिखि दबो आई ई इज इक्वल टू एटा सब तळे लिखिबो जगह नै बोले मु साइड रे लिखि छी आई ई इज इक्वल टू कोन हे जिवो आयनाइजेशन एनर्जी हबो डी इज इक्वल टू कौन हे जिवो डिसोसिएशन एनर्जी हबो ई ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यू इज इक्वल टू कौन हे जिवो लैटिस एनर्जी डेल्टा एच इज इक्वल टू एटा को लिखि दउ छी कमे एटा पढना डेल्टा इज इक्वल टू एनर्जी चेंज कोन कहली एनर्जी चेंज इन डायरेक्ट स्टेप क्लियर तो जेता बले एतिकि जेंस जानि गलो ओके तो एई थिरु देख हेसेस लॉ कोन कहथि देख डायरेक्ट स्टेप रे केते एनर्जी अछि डेल्टा एच इनडायरेक्ट स्टेप रे कोन हेथिबे एई सबु तकर मिश्रण फल समेशन ला तो एठु मु डायरेक्टली ऊपर टिके लिभे देली हां कोन लिखिबी एमते लिखिबी एतिकि साइकिल देखटा गो साइकिल हुए हे नि ला तो याको कोन कहते बर्न हावर साइकिल तो एठे लिखि दबो अप्लाइंग हेसेस लॉ ला अप्लाइंग हेसेस लॉ वी कैन राइट कोन लिख परबा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच टा डायरेक्ट स्टेप रे इज इक्वल टू कोन हेथिबो ए सब तक मिसै चलिबो एस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी एठी तापर प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस माइनस ईए हबो माइनस यू ठीक अछि एते के हला इक्वेशन एथिरु मु जदे कहिबी एटा को सेपट को नै छी हम तो कोन लिखिबी एस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ डी माइनस ईए माइनस यू माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू कौन हे जाउची जीरो एटा होची तमरो इक्वेशन एथिरे केतेटा टर्म अछि 1 2 3 4 5 6 छटा तो तुमको परीक्षा रे पांचटा टर्म दे दैथिबो माने 1 2 3 4 5 दैथिबो एटा पचाथिबो किंबा 1 2 3 4 5 दैथिबो एटा पचाथिबो कोनोसी पांचटा दैथिबो ओटे पचाथिबो माने पकेई कर परियो ला एटा थिला तमरो कोन बॉर्न हापर्स साइकिल बुझे ला
या पर क्लास रे आयनिक बॉन्डिंग शेष होबो कोन पढिबा ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स सेठी तमरो पाठ शेष होबो ठीक अछि एतिके देखि दियो ठीक रे हां थैंक यू ऑल